वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे यदि आपको जॉब चाहिए तो आप जॉब किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। आप इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। इसका रिव्यू है 4.0 और काफ़ी अच्छी इसके रिजल्ट है। किस प्रकार से आपको डाटा एंट्री जॉब अप्लाई कर लेनी है, जैसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी, जैसे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और नीचे अप्लाई के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाता है। आपको रजिस्टर करना होगा अपना नाम, आप देख सकते हैं नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, बर्थ डेट और जेंडर आपको करके सबमिट कर देना है। उसके बाद जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाता है। आपका ये जो है रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है। अब सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालना है और वही पासवर्ड डालना है जिससे आप रजिस्टर्ड किए थे। लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे पहले जॉब अप्लाइड है, आपने कौन सी जॉब अप्लाइड की थी, करंट ओपनिंग कौन सी ओपनिंग है, अपडेट रिज्यूम, अपना रिज्यूम अपडेट करेंगे, जॉब सेव्ड, आपकी जो जॉब है वो सेव हो जाएगी और आप उसे ले सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन सर्च फॉर जॉब, सिंपली उस पर सेलेक्ट करना है आपको और उसमें टाइप करना डाटा एंट्री। सिंपली तीन ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाते हैं, इसमें बीच वाला सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई के ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया तो टोटल डाटा एंट्री की जॉब्स जो आपके आसपास होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी और इसमें टोटल डिटेल्स आप इसमें देखने को तब मिलेगी जब आप इसमें अप्लाई करेंगे। मान लीजिए अप्लाई के ऑप्शन पर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाता है। जॉब की डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ लेना है और जॉब की जो स्किल है वो भी आप देख सकते हैं, प्रायोरिटी भी देख सकते हैं और एक्सपीरियंस भी आप इसमें देख सकते हैं। सिंपली अप्लाई के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें आप यस का जो है टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं अप्लाइड हो चुका है, आपकी जॉब अप्लाई हो चुकी है। यह सबसे पहले आपको अपना रिज्यूम अपडेट करना है। आप देख सकते हैं अपडेट रिज्यूम, सिंपली रिज्यूम अपडेट पर जाएंगे। वहां जाने के बाद आपको अपनी लोकेशन, कंट्री, स्ट्रीट, उसके बाद सिटी, स्टेट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट ऑन ईयर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्री वो आपको लिख देनी है। उसके बाद स्किल आ जाती है, यदि कोई स्किल है तो स्किल ऐड करेंगे, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन जो पोस्ट वो ऐड करेंगे और किसी कंपनी में एक्सपीरियंस है तो वो इसमें जाएंगे। और अदर डिटेल में आप अदर डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको कितनी सैलरी चाहिए, लैंग्वेज कौन कौन सी है और लोकेशन परफेक्ट कौन सी है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपना सीवी जो है ये भरने के बाद सीवी अपलोड कर लेना है, अपलोड करके आपको सेव कर देना है। जैसे हम सेव कर देते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल आईडी जो आपने डाली थी उसके ऊपर नोटिफिकेशन आते रहेगी और जॉब आपको मिल सकती है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।